तो अरविंद केजरीवाल ने जिथे बयान दिता तो शिवसेना का की कुछ कहना है वह भी देखांगे, क्योंकि सियासी प्रतिक्रियावां इस बयान तो बाद लगातार आ रही ने। कई ने सवाल चुके ने, कई ने इस बयान की हमायत की है। 2015 से वो राजनीति में हैं, दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है, पहले वहाँ से काहे नहीं शुरुआत करते हैं। सरकारी लेटर हेडों पर श्री गणेश भगवान और लक्ष्मी माता जी की तस्वीर लगाई, कौन मना कर रहा है? लेकिन केवल राजनीति करनी है, अब गुजरात और हिमाचल में चुनाव है तो हिंदुत्व इनको याद आया है। आपके और कथनी करनी में कितना अंतर है? राजनीति का स्तर हमेशा ऊँचा रखना चाहिए, उसे नीचे नहीं गिराना चाहिए। आप हमारे हिंदू देवी देवताओं का उपयोग करके अपनी राजनीति मत साधिए। केजरीवाल के बयान से भारतीय जनता पार्टी के लीडर मनोज तिवाड़ी की कुछ कह रहे थे, वो भी सुनते हैं। पहली बात तो ऐसी है कि केजरीवाल जी से ये पूछना पड़ेगा कि आप किसको मानते हो। उसकी पार्टी के कुछ लोग अभी पीछे हिंदू देवी देवताओं का विरोध कर रहे थे, अपनी पार्टी में तो एक मत हो जाए ना। ही वो पूरी तरह से शहीद आजम भगत सिंह को मानते हैं, ना ही वो डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, ना ही महात्मा गांधी जी को मानते हैं। उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो एक्सपोज हो रहे हैं, पंजाब में बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। उनका आचरण जो है उनको लोकतांत्रिक करना चाहिए, उनको देश के हित में करना चाहिए, वो नहीं करते, वो खुद के हित में ही सब कुछ करते हैं। नाम हमारा इंडिया क्यों है, इंडोनेशिया क्यों नहीं है? क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? इंडोनेशिया की क्या परंपराएं हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर क्या लोगों की सोच है? ये भारतवर्ष है, यहाँ अपनी सोच है। किस कौन सी तस्वीर लगानी है, नहीं लगानी, ये सरकार को तय करना है। ईश्वर के आशीर्वाद तो पूरे विश्व को मिलेगा ना, सिर्फ भारत को नहीं मिलेगा, सबको, पूरे विश्व को मिलेगा, पूरे विश्व को मिलेगा। अमेरिका कहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, हम तो नहीं कहते इन गॉड वी ट्रस्ट। हमारे मन में आस्थाएं हैं, लेकिन हम तो अपने संविधान को सबसे प्रथम मानते हैं, सबसे उच्च मानते हैं।